नमस्कार, सीरियस भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आपको वो बयान तो याद ही होगा जो उन्होंने कुछ दिन पहले भरे सदन के अंदर दिया था। जी हां, राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर अभी भी सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू सिर्फ हिंसा हिंसा और नफरत नफरत करता रहता है। ये विषय इतना गंभीर था कि पीएम मोदी को खुद सदन के बीच में खड़े होकर कहना पड़ा था। वहीं अभी हाल में गुजरात में राहुल गांधी ने कहा कि आडवाणी ने अयोध्या आंदोलन शुरू किया। राहुल गांधी के दिए जा रहे इन बयानों से लगता है कि वो पूरी तरीके से हिंदू विरोधी हो गए हैं और देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। वो कभी अल्पसंख्यक कहने वाले समुदाय की बात नहीं करते, क्योंकि राजकोट और लोकसभा के दोनों बयान अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कई मायनों में खतरनाक भी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 10 साल बाद सदन में कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया था। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में भगवान शिव की फोटो दिखाई। राहुल ने कहा, भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। पहले आप भी राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। तो सुना आपने राहुल का ये बयान। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी का ये बयान सिर्फ भाजपा के लिए था या पूरे हिंदू समाज के लिए? मैं दूसरी तरफ गुजरात के राजकोट में राहुल ने कहा कि आडवाणी जी ने जो अयोध्या आंदोलन आरंभ किया उसे हमने यानी विपक्षी मोर्चे INDINA हरा दिया। वहीं देखा जाए तो अयोध्या आंदोलन केवल एक मंदिर निर्माण का आंदोलन नहीं था, ये भारत सहित संपूर्ण हिंदू समाज को सांस्कृतिक रूप से फिर से जागृत करने, प्रखर करने और उसके मानसिक निर्माण का आंदोलन था। इसका असर भी हुआ, आज पूरे विश्व में राम मंदिर से हिंदुओं की पहचान हुई है। हिंदू धर्म पहले से और अधिक मजबूत हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में संपूर्ण विश्व का हिंदू अपने धर्म सभ्यता संस्कृति आचार विचार को लेकर पहले से ज्यादा मुखर और आवश्यकता पड़ने पर आक्रामक हुआ है। शायद राहुल गांधी के रणनीतिकार और सलाहकार उन्हें समझा रहे हैं कि संघ भाजपा और मोदी के प्रति हमलावर वक्तव्यों से कांग्रेस को चुनाव में लाभ मिला है, इसलिए आगे और हमलावर बनना है। लेकिन ये विषय केवल सामान्य राजनीतिक विचारधारा का नहीं है, हिंदू हिंदुत्व और राम जन्मभूमि आंदोलन ना दलीय राजनीति का विषय है और ना केवल भाजपा का, क्योंकि ना अयोध्या आंदोलन लाल कृष्ण आडवाणी ने आरंभ किया और ना ही उनके बैठ जाने से ये समाप्त हुआ। 50 के दशक में जब हिंदू कोड बिल पास हुए थे, तब से कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति सांप्रदायिकता विरोध और धर्म निरपेक्षता की है। जाहिर है कांग्रेस की नीति आज से नहीं बल्कि सालों से हिंदू विरोधी रही है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में भी यूं ही हिंदुओं का तिरस्कार होता रहा है और आज के समय में वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने अयोध्या मंदिर का विरोध किया था, प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। उनको लगता है कि हिंदुओं को टारगेट करके वो भाजपा को घेर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इससे वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं और अपनी पार्टी की छवि हिंदू विरोधी कर रहे हैं, जो कि सोचने की जरूरत है। खैर, इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।